हेलो गाइस, तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और गाइस इस वीडियो का आप लोगों ने गाइस थंबनेल देख लिया होगा। गाइस क्रॉम्पटन जो बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके गाइस फैन भी हैं, मोटर भी हैं और गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी गाइस क्या होता है कि सारी कंपनियाँ आपको इनाम देने लगती हैं, मतलब अपना जो है ना QR कोड देती हैं, और QR कोड देने के बाद में गाइस आप उनके ऐप मिलते हैं और आप उनको ऐप को चालू करके उनसे ढेर सारे इनाम भी जीत सकते हैं और पैसे भी आप अपने बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं। तो गाइस ये क्रॉम्पटन का कुछ इस तरह का ऐप है, इसका नाम है क्रॉम्पटन साथी और ये ऐप आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, आप इसको कर लें डाउनलोड। और गाइस डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का इसमें इंटरफेस आएगा। तो आपको गाइस सिंपली आपको करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर आए नॉट ए मेम्बर रजिस्टर नाउ, आपको गाइस इस पर क्लिक करना है। तो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से ये हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे हमारा नाम, मोबाइल नंबर और हमारा फ़ोटो और एड्रेस, और उसके बाद में ये हमारा ID मांगेगा, मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड या बैंक मतलब वोटर ID। तो आपको सारी चीज़ें डाल देनी है और डालने के बाद में ये आपका ऐप चालू हो जाएगा। अभी मैं आपको इसमें सब चीज़ डाल करके दिखाता हूँ और अपना ऐप इसमें चालू करता हूँ। तो गाइस यहाँ से आपको अपना नाम जो भी है डाल देना है, उसके बाद में गाइस मोबाइल नंबर आपको इस बॉक्स में डाल देना है। गाइस मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ से आपको एक अपने प्रोफाइल पिक्चर अपना फ़ोटो खींचकर इसमें अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में कर देना, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में गाइस एड्रेस हमारा, जहाँ भी आप रहते हो आप वहाँ का इसमें एड्रेस डाल देना। गाइस इसमें अपनी सिटी और पिन कोड डालने के बाद में ये आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली खुद ही ले लेगा, आप जहाँ भी रहते हो। उसके बाद में आता है गाइस इसकी KYC, आपको दोनों में से सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड है आपके पास या फिर लाइसेंस है, आपको दोनों में से जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है आपको इसमें अपलोड कर देना है, उसका फ़ोटो फ्रंट का और बैक का। देखो यहाँ पर आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको लिख के आ रहा होगा फ्रंट फ़ोटो साइड इमेज, यहाँ पर आपको नीचे आ लिख कर रहा होगा अपलोड बैक साइड फ़ोटो, मतलब आपको आधार कार्ड का दोनों तरफ का फ़ोटो आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद में गाइस पैन कार्ड, इसमें आपको अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है और पैन कार्ड का यहाँ पर आपको नंबर इसमें डाल देना है बॉक्स में। उसके बाद में आता है गाइस बैंक अकाउंट, आपको UPI बैंक अकाउंट दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, आपके पास जो भी है UPI है तो आपको सिलेक्ट इस पर क्लिक कर देना है, आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको इस पर करके यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट नेम, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और ब्रांच नेम। उसके बाद में गाइस यहाँ से आपको मिलता है एक ऑप्शन रिटेलर का, आप कहाँ से माल लेते हो, आप कौन सी कंपनी में, आप कोई भी चूज़ कर देना। चूज़ करने के बाद में यहाँ से उनका नंबर डाल देना और नंबर डालने के बाद में गाइस यहाँ से आपको कर देना है क्लिक। अब गाइस आपको कर देना है ये लिख कर रहा है रजिस्टर नाउ, आपको गाइस इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर गाइस आपको क्लिक कर देना है इस पर। तो गाइस अभी हम भूल गए, इसमें अब मैं अपना आधार कार्ड इसमें अपलोड करना है तभी चालू हो पाएगा। तो यहाँ से गाइस मैं अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने कर दिया रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक और यहाँ से ही हमारा मांग रहा है कि आपको गवर्नमेंट ID इसमें अपलोड करनी होगी, मैंने अपलोड तो की हुई है और लेकिन जरा मैं दोबारा करता हूँ क्लिक गाइस, लेकिन ये हमसे मांग रहा है कि आपको इसमें अपलोड ID करनी होगी। तो गाइस पहले मैं दोबारा इसमें अपलोड अपनी ID करता हूँ। तो गाइस मैंने इसमें सब चीज़ अपने अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद में गाइस अभी देखना ये ऐप हमारा कुछ चालू हो जाएगा लगता है मुझे। गाइस अभी देखो मैंने कर दिया रजिस्टर नाउ पर क्लिक और गाइस इस पर क्लिक करने के बाद में ये हमारा ऐप गाइस अभी चालू होने वाला है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि नेट पर भी थोड़े स्लो आ रहे हैं, या 5G आ रहा है लेकिन चलता ही नहीं नेट, पता नहीं क्या दिक्कत है नेट में भी। तो गाइस इसमें हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, गाइस ये देखो मैसेज भी आ गया है, मोबाइल नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। आपको कर देना गाइस सेंड OTP पर क्लिक, और गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, अभी देखना गाइस। गाइस ये देखो OTP आ चुका है फ़ोन नंबर पर, अभी मैं इस OTP को इसमें डाल देता हूँ 6 7
5490। तो गाइस ये देखो हमारा ऐप चालू हो चुका है पूरी तरीके से गाइस, और ये हमसे हमारी UPI ID मांग रहा है। और गाइस ये देखो कुछ इस तरह का इसमें ऐप बंद करके हमारा ये चालू हो गया है। अब गाइस इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे कितने पॉइंट पर हमें कितना बैलेंस मिलेगा और इसमें क्या क्या इनाम है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी करना आपको रिवॉर्ड पर क्लिक। और गाइस इसमें गिफ्ट विफ्ट कोई नहीं है, इसमें सिर्फ गाइस आपको पैसे मिलेंगे। तो गाइस और भी अच्छी बात है क्योंकि पैसे मिल जाएंगे तो हमारी और बढ़िया, गिफ्ट तो हमें चाहिए नहीं। वैसे भी बहुत से लोगों को गिफ्ट चाहिए होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को पैसे ही चाहिए होते हैं। तो गाइस इसमें दोनों ही ऑप्शन है, UPI का भी और बैंक का भी। आप जितने पॉइंट हो सको गाइस आप इसमें इजीली रिडीम कर लोगे। और यहाँ से आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप इनसे बात करना चाहो कस्टमर केयर से तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी फुल। आपको यह नंबर भी दिया गया है गाइस, आप नंबर नोट कर लो चाहे कंपनी का, ये देखो नंबर है कंपनी का, आप इसको नोट कर लो। और गाइस बहुत ही अच्छा ऐप है ये, अभी देखो गाइस पूरा ऐप चालू हो चुका है। यहाँ से हमारे पॉइंट दिखा देगा हमने कितने पॉइंट स्कैन किए हैं। तो गाइस ये पूरी इसमें हमारी आईडी बन चुकी है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ आपने सिंपली कमेंट कर देना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।